वेल हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग काफी ज्यादा अच्छे होंगे। आप लोग तो मुझे जानते हो, मैं हूं आप सबका रिव्यूअर और आज मैं बारिश बन जाना सॉन्ग सुनकर आ रहा हूं। और उस सॉन्ग को सुनकर मेरा रिएक्शन किस तरीके से निकल कर आया, इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे। इस सॉन्ग को VYRL पर रिलीज किया गया है, तो जिन्होंने अभी तक नहीं सुना है जाकर सुनो। इस तरीके का गाना आप लोगों को अभी 2021 में सुनने को नहीं मिला होगा। इस सॉन्ग को गाया है पायल देव और स्टीफन बेन ने, और जिस तरीके से इस सॉन्ग को इन्होंने गाया है वो कहीं ना कहीं एकदम कमाल लग रहा है सुनने में। और तारीफ यहाँ पे सिर्फ सिंगर्स की नहीं बल्कि लिरिक्स की भी करनी होगी, जिनको लिखा है कुणाल वर्मा ने। और लिरिक्स यहाँ पर गाइज आप लोगों को एकदम कमाल सुनने को मिलते हैं। साथ ही साथ इस सॉन्ग में आप लोगों को BGM भी काफी ज्यादा धमाकेदार सुनने को मिलेंगे। BGM सुनकर लगेगा आपको कि मैं एक दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। लिटरली अगर आप अपनी आंखें बंद करते हो तो आपको ऐसा ही लगेगा इस सॉन्ग को सुनकर। और यहाँ पे सॉन्ग में जिनकी जरूरत थी उनको काफी अच्छी तरीके से डाला गया है, जैसे कि ड्रामा, इमोशन, प्यार। इस सॉन्ग को जो सुनकर फील आता है वो काफी ज्यादा अनबिलीवेबल होता है। वैसे तो मैं सिंगल हूं लेकिन इस सॉन्ग को मुझे सुनकर लग रहा है कि मेरा कोई ना कोई तो इंतजार कर रही है। अब ये ऊपर वाला जानता है कि इंतजार कर रही है या फिर नहीं, मुझे नहीं पता। अब बात करते हैं यहाँ पे हिना खान के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिना खान को एक्सप्रेशन क्वीन के नाम से जाना जाता है, तो उनकी एक्टिंग और एक्सप्रेशन पर आप इस सॉन्ग में संदेह नहीं कर सकते। अपनी एक्टिंग के जरिए हिना खान इस सॉन्ग में वो फील ला रही है जो हम लोग हिना खान से एक्सपेक्ट करते हैं इस सॉन्ग में। वैसे तो हर सॉन्ग में इनकी एक्टिंग एक्सप्रेशन काफी ज्यादा कूल होते हैं, लेकिन इस सॉन्ग में वो आप लोगों को एक अलग ही लेवल वाली हिना खान देखने को मिलेंगी। बात करें यहाँ पे साहिर शेख की एक्टिंग एक्सप्रेशन के बारे में, तो इनकी एक्टिंग एक्सप्रेशन भी आप लोगों को एकदम गजब के देखने को मिलने वाले हैं। आप लोगों को इनकी एक्टिंग काफी ज्यादा पसंद आएगी इस सॉन्ग में। और इस सॉन्ग की जो स्टोरी कॉन्सेप्ट है गाइज, वो आप लोगों को काफी ज्यादा यूनिक देखने को मिलने वाली है। बहुत सारे सॉन्ग में प्यार या फिर ब्रेकअप दिखाया जाता है, लेकिन इस सॉन्ग में ब्रेकअप होने के बाद फिर से प्यार कैसे होता है ये दिखाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। अब बात करें इस सॉन्ग को सुनना कहाँ पे बेस्ट होगा, तो अगर आप अकेले हो तो इस सॉन्ग को आप एकदम फील करके सुन सकते हो। ये सॉन्ग आप लोगों का मूड एकदम चेंज कर देगी। तो गाइस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस सॉन्ग को आप लोग जाकर सुनो, काफी ज्यादा पसंद आएगी आप लोगों को ये सॉन्ग। तो इसी के साथ मैं चलता हूं, मिलता हूं आप लोगों से किसी अपनी अगली वीडियो में।